So hello guys, so welcome back to another endeavor. So ask a little fancy coffee the interesting holy for the Diwali related coffee sale events creators nikal kar aa chuke hain. Diwali ka jo carnival event hai jisme kitne spin jane wala hai, token exchange rahega yani ye kon kon se rewards aane wale hain, iski saath saath aane wale is wale event ke bare mein all jitne sare details hai, rules regulations sare jitne sare lese iske bare mein aske bare mein aap log updates milne wala hai. The body of coffee ke the interesting hai, jo se video ko full watch karna. Unke saath gal rahe hain new section mein gal girna pe paane ek notice add kiya hai jiske bare mein yahan pe baat लेते हैं. आप लोग पूछ रहे थे कि भाई ये रिवार्ड्स क्या हम लोग को मिलेगा या नहीं, तो देखो अरे रिवार्ड्स के बारे में अगर बात करें तो वेना भी पानी यहाँ पे बताया है दो रिवार्ड्स मिले वाले हैं हमारे को जी वेना जिससे रिलेटेड फर्स्ट सीजन स्टार्ट होने वाला है 10 नवंबर से. ऑलरेडी पिछले कुछ वीडियो में आप लोग को मैंने बताया था 10 नवंबर से इवेंट स्टार्ट हो जाएगा. इसके साथ यहाँ पे बात करते हैं इस आने वाले इवेंट का, तो जो रिवार्ड्स के बारे में बात किए गए जिसके बारे में जिसने आप लोग को ब्रोजा स्किन मिलने वाला है, एक ही साथ आप लोग अपने बैनर को कस्टमाइज कर सकते हो जो भी आपके अवतार गिलवे दिए जाते हैं जिससे अगर आप लोग इसमें बैनर होते हो तो. लेकिन यार मैं आप लोग को जो डिटेल्स बताने जिसके बाद आप लोग टिकट करके गिना पिपर को गाली देने वाला हो, किसी को भी यहाँ पे हिट नहीं मिलने वाला, सभी लोग गाली दे सकते हैं. गेम तो पहले से ही पे टो बिन बना के इन्होंने रखा है, लेकिन गिल के इतने सारे व्यूअर एंड रेगुलर्स जिसे यार पूरे चेंज कर दिया ने, गिल को भी पे टो बिन बनाने वाले हैं ये लोग. यहाँ पे बात करते हैं इस इवेंट के डिटेल्स के बारे में, तो बताया गया 4 लेवल के गिल इस वाले इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर अब जो है ठीक है चलो 4 लेवल तक की सही बात है, लेकिन यार इसके अंदर 30 मेंबर रहने चाहिए. 30 मेंबर जितने सारे है जिन सभी को रिवार्ड दिया जाएगा, आपके गैलरी के हिसाब से आपसे रिवार्ड दिया जाएगा, जिसके जितने ज्यादा गैलरी रहने वाले गिल का उन सभी को ड्रॉफ के इतने सारे गिले जिनको रिवार्ड दिया जाएगा. चलो ये सारी बातें सही है, सारे रोल्स सही लेंगे. अगर यहाँ पे लास्ट में देखने वालों तो हीरो ने बताया है अगर आपके गिल के सारे मेंबर्स जितने सारे आपके गिल के मेंबरशिप है, आपके गिल्ड में सारे लोग अगर मेंबरशिप परचेस किया हुआ है, जिस भी गिल के अंदर सबसे ज्यादा मेंबरशिप परचेस किया हुआ उन्हीं को रिवार्ड दिया जाए वो लेवल. आप लोग भी मुझे कॉट से बताना पाई यार ये पे टू पिन वाले सिस्टम होने वाले है की जितने सारे लोग पैसे लगाने वाले है भाई इसमें पिनर होने वाले है, तो भाई अगर जितने सारे लोग आपके गिल्ड में पैसे नहीं खर्च करते हैं तो भाई बेकार आएगा. आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है गेम के अंदर पैसे खर्च मत करना, गेम को आराम से इंजॉय करो. बाकी यार ये सारे इवेंट्स ये सारे जितने सारे अलग अलग हमारे गेम के गन स्किन बंडल आती रहेंगे, आराम से गेम को एंजॉय करो, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे ही इवेंट डाले जा रहे हैं जिसके अंदर आप लोग को पैसे लगाने के लिए मजबूर किया जा रहा है. ये फालतू एक तरह से इवेंट रहने वाला है, इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स में हम लोग अभी बात नहीं करने वाले हैं, वीडियो में आगे बढ़ने वाले. आई होप आज का अपडेट अच्छा लगा तो लाइक करना, साथ ही और भी कब से अपडेट आपको मिलने वाला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि यहाँ पे पढ़ने आपको ऐसे वीडियो मिलते रहते हैं. फाइनली वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपडेट के बारे में. तो आज रात 12 बजे कोई नेवर तो गेम का देखिए नहीं मिलने वाला है. आने वाले कुछ अपकर्स के बारे में बात करते हैं जिसमें गादर हमारा सबसे फर्स्ट इवेंट निकल कर आ रहा है गेम के अंदर आने वाले दिवाली कार्निवल इवेंट. दिवाली कार्निवल इवेंट के साथ साथ हम लोग आने वाले कोवेन एंड काफी सारे और भी अपडेट्स के बारे में जानने वाले हैं. तो भाई यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले आने वाले कार्निवल इवेंट के ड्रिल्स के बारे में. आप लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहा हो इस वाले इवेंट के बारे में, क्योंकि ये जो मैंने गेम के अंदर न्यू आया वाला इवेंट का जो फाइनल इंटरफेस है निकल कर आ चुका है, इस तरह का इंटरफेस आप लोग को देखने मिलने वाला है जिसके अंदर आप काफी सारे आइटम कलेक्शन देखने मिलने वाला है. बट यहाँ पे बात करने वाले मेन क्वेश्चन के बारे में, क्या इसके अंदर टोकन एक्सचेंज हुआ तो बिल्कुल टोकन एक्सचेंज नहीं रहने वाला. अलग कलेक्शन ऐड किया गया है, इमोट्स है, बंडल है, गन स्किन है, और इन सारे कलेक्शन के साथ साथ रेयर आइटम तो कुछ ऐड है ही, इसके साथ काफी सारे कस्टम आइटम भी ऐड किए हैं. भाई कब कौन सा रिवार्ड्स मिलेगा आप पे लक पे डिपेंड करता है. इनका जो फाइनल इंटरफेस निकल कर आ चुका है, इवेंट का फाइनल बैनर भी निकल कर आ चुका है 10 नवंबर से. ऑलरेडी मैं आप लोगों को बताता आ रहा हूँ 10 से 11 के बीच देखिए मिल जाएगा फाइनल. 10 नवंबर को इवेंट इंडियन सर्वर, बांग्लादेश सर्वर, अदर सर्वर के लिए भी कन्फर्म हो चुका है. बात करते इसके रोज के बाद इवेंट के अंदर गिफ्ट सेंड करने का ऑप्शन है, तो भाई 20 लेवल होना चाहिए गिफ्ट सेंड करने के लिए. इसके साथ साथ आप लोग को 5 लेवल होना चाहिए गिफ्ट रिसीव करने के लिए. आप लोग एक फ्रेंड को 3 बार गिफ्ट सेंड कर सकते हो, 5 बार आप लोग टोटल गिफ्ट करने का ऑप्शन आप लोग को दिया जाएगा किसी भी फ्रेंड को. इसके साथ साथ आप लोग 5 बार गिफ्ट भी सेंड करने के साथ साथ 5 बार रिसीव भी कर सकते हो. रिवार्ड सेंड करने के बारे में यहाँ पे जान लिए, बात करते हैं स्पिन रेट के बारे में, कितना स्पिन रेट रहने वाला इस वाले इवेंट का. अलग अलग कलेक्शन के अलग अलग स्पिन रहने वाले. सबसे बड़े फैशन के बारे में बात करते हैं, 12 स्पिन 49 डायमंड का, सेकंड स्पिन अगर आप लोग इसके बात करने वाले तो 99 डायमंड का रहने वाला है, 5 स्पिन 450 डायमंड का रहने वाला है. इनके स्पिन के भी सेम ही रेट्स रहने वाला है. इसके साथ यहाँ पे बात कर लेते हैं कलेक्शन के बारे में जिसमें इमोट्स रिवार्ड्स आने वाला है. भाई बना स्पिन यहाँ पे रहने वाला है 29 डायमंड है ना, उसके बाद आप लोग को 59 डायमंड का स्पिन देखिए वाला है, 5 स्पिन 270 डायमंड का रहने वाला है. बात करते हैं इसके बाद नन कलेक्शन के बारे में जिसमें ग्रोवल का रहने वाला एक स्पिन रहने वाला है 24 डायमंड का. दूसरा स्पिन अगर आप लोग लगाने वाला हो तो यहाँ पे 49 डायमंड का 5 स्पिन रहने वाला है 225 डायमंड का. फर्स्ट स्पिन में सारे जितने सारे कलेक्शन है जिसके अंदर डिस्काउंट 50% का देखिए मिले वाला है आप सभी.
एक वन मिस्ट्री रिवार्ड के बारे में अगर बात करें तो फर्स्ट स्पिन 10 डायमंड का आने, सेकंड स्पिन 20 डायमंड का, पांच और स्पिन रहने वाला है 90 डायमंड का। इसमें भाई कब कौन सा रिबॉफ आप लोग को मिल जाएगा कोई भी कंफर्म नहीं रहने वाला है। हैंडल गैनस की निमो कुछ भी मिल सकता है मिस्ट्री वाले इस दिन के अंदर। बाकी अगर आप लोग कलेक्शन वाइज रिवार्ड को निकालना चाहते हो जिसके अंदर भी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्पिन रखे गए हैं जिसमें आप लोग स्पिन करके रिवार्ड को परचेस कर सकते हो। मेन बात आती है यहाँ पे गाजर, अगर आपके कोई भी रिवार्ड को परचेस करने के लिए सोच हो जो आपका सबसे ज्यादा फेवरेट है लाइक कोई गैनस किन या फिर बनो, तो किस में रिवार्ड को निकालने के लिए कितने डायमंड आप लोग को लग सकते हैं जिसके बारे में फिर बात कर लाइक हो यार एक बंडल या फिर कोई भी गन स्किन परचेस करने के लिए 2 से 3 हजार डायमंड ऑलमोस्ट आप लोग लग सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। इवेंट फर्स्ट टाइम हमारे गेम में तो डाला गया है, स्पिन का रेट काफी ज्यादा हाई है लो है आज के डिपेंड करता है आपके दिक्कत बेजारे डायमंड से। जैसे को 4 से 5 हजार डायमंड अगर आपके पास है तो अच्छी खासी कलेक्शन आपको मिल जाने वाला है, बाकी आपकी लक पे भी डिपेंड करता है। ये जो वेरियड 10 नवंबर से स्टार्ट होने वाला ओवरऑल आने वाले वाले इवेंट के जितने सारे रेल से मैंने आपको कवर करके बता दिया है। और भी डाउट हो तो मुझे पूछ लेना, आने वाले वीडियो के अंदर आप लोग को रिप्लाई मिल जाएंगे। बस इस आने वाले इवेंट का मैं रिव्यू भी लाने वाला हूँ जो इवेंट गेम के अंदर आने वाला है, तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटन को सेट करके रख लीजिएगा। आगे बढ़ने वाले हैं वीडियो में बात करने वाले हमारी गेम के अंदर आने वाले कुछ और भी अपकमिंग अपडेट्स के बारे में। तो 10 नवंबर को ये इवेंट आएगा, इसके 2 से 3 दिनों के बाद हिसाब से हमारे गेम का नेक्स्ट अपडेट भी आने वाला है जिसके बारे में भी बात कर लेता है। और 12 नवंबर तक आप लोग को यहाँ पे कन्फर्म ये लग रहा है आप लोग को डबल डन का डॉवर गेम के अंदर लाने वाला गिना फिर पार्टी पे देख सकते हो इतनी सारे पेज रिवार्ड के आइटम डाले जा रहे हैं हमारे गेम का, जिस वजह से काफी ज्यादा चांसेस है डबल डायमंड का टोवन आप लोग को 12 नवंबर को देखिए मिल सकता है। ओवन के जाने के बाद इसके बाद का जो टोवन आने वाला वो भी कन्फर्म हो चुका है आने वाला, इसके बाद के नेक्स्ट ओवन के अंदर बेंडल एंड स्पेशल गेम का जो इवेंट आने वाला है जिससे रिलेटेड आप लोग को हैप बुक सिलेक्टेड टोकन सिलेक्टेड टोवन हमारे गेम को देखिए मिले वाला है जिसका वीडियो भी आप लोग अभी देखा। हर बार की तरह इस बार भी टोवन आप लोग को देखिए मिले वाला है हमारे हैप बुक सिलेक्टेड जिसमें आप लोग को 300 डायमंड पे टोकन मिल जाने वाले जिसके हाइप बुक आप लोग अभी निकाल सकते हैं। अपडेट भी बढ़ते हैं बात करते हैं हमारे गेम का इफ टोकन का विक्चिन हमारा जो है वो अपडेट होने वाला है। भाई मुझे तो याद भी नहीं है कब एफ टोकन में रिवार्ड्स ऐड हुए थे, बात करते हैं इस अपडेट के अंदर क्या एफ टोकन के एक्सचेंज में कुछ रिवार्ड्स ऐड हो सकते हैं। देखोगा जो बार की थी सारे सर्वर है जिसके अंदर इस वाले ओ भी अपडेट के अंदर जो बाइंडर्स ऐड किए गए आप लोग अब देख लो काफी अच्छा सा बंडल है जो आप लोग अब देख लो ये ब्लू कलर की थीम पे है जो बाहर के काफी सारे सर्वर के अंदर एफ के टोकन के एक्सचेंज में एफ एफ स्टोर के अंदर इसे ऐड किया गया है। और इसके साथ कुछ फीमेल एंड मेल के भी बंडल इसे ऐड किए गए हैं काफी सारे सर्वर के अंदर जो आप लोग अब देख रहे हो। ये जितने सारे बोनस देख रहे हो हमारे काफी सारे सर्वर गनर हमारे गोल टोकन के एक्सचेंज में ऐड किए गए हैं। इन सर्वर के बारे में अगर बात करें तो भाई देखो अभी पॉसिबल चांसेस जो निकल कर आ रहे हैं इस मंथ के लॉस तक एफ टोकन में कुछ एक्सचेंजेस स्टोर के अंदर बोनस को ऐड किया जा सकता है। जिस तरह से आप लोग को हर मंथ के लास्ट में हमारे गेम के अंदर जितने सारे बोनस है जिसे ऐड किए जा रहे हैं के स्टोर के अंदर वैसे ही ये बोनस को भी ऐड किया जा सकता है। बाकी 100% कन्फर्म तो मैं कोई अपडेट्स आप लोग को इससे रिलेटेड बता नहीं पाऊंगा डेट के बारे में क्योंकि बोनस कन्फर्म है बता रही है कब ऐड होने वाले जिसके बारे में गिरना ही जाना है। बोनस कन्फर्म है ये सारे बोनस आप लोग हमारे एफ टोकन के रिवार्ड्स में ऐड होने वाले हैं। तो आई बस एक वीक के लिए वेट कीजिए, एक वीक के बाद अपडेट्स आप लोग को मिल जाने वाले सारे बोनस को लेकर बंडल ओवरऑल आप लोग को कैसे लगा मुझे कॉट्स ने जोर से बता दिया था। काफी सारे सर्वर के अंदर इन सारे बोनस को ऐड किया गया है तो इन सर्वर के अंदर भी आप लोग बोनस एंड रिवार्ड ऐड देखने मिल सकते हैं। तो भाई आज के वीडियो में बस इतना ही, आई होप आज के वीडियो आप लोग को कैसा लगा मुझे कॉट्स ने जोर से बताना। आते चल भी नहीं आ रहा चैनल को सब्सक्राइब जोर से कर लेना, वीडियो को लाइक करने के साथ मैं मिलता हूँ किसी और नए वीडियो बनेंगे अपडेट के साथ। टेक केयर बाय गाइस, वीडियो को देखेंगे धन्यवाद।